जय श्री राम दोस्तों, मैं एस्ट्रो भारती नागपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि सब ज्योतिष ज्ञान अपना कुछ ना कुछ और मेडिकल साइंस कोरोना के लेकर कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं, तो ज्योतिष ज्ञान क्या कहता है इस बारे में। कोरोना ने पूरे देश में पूरी दुनिया में अपना कहर मचा रखा है, तो ज्योतिष ज्ञान का ये कहना है या मेरी स्टडी का ये कहना है कि जैसे ही सूर्य 13 अप्रैल रात को 8:39 से मेष राशि में जाएंगे, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि उच्च के सूर्य होने से उनसे जो रेज निकलेंगी वो पूरी दुनिया में छाए हुए कोरोना को खत्म कर सकती है, कम कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि 13 अप्रैल से आने वाले सूर्य जो कि 12 मई तक मेष राशि में रहेंगे, इस कोरोना को खत्म करने में सहायक हो। तो सूर्य देवता के लिए अगर जो लोग जल चढ़ाते हैं वो जल के साथ अगर 11 बार ओम सूर्याय देवाय नमः का जाप करें तो ये अच्छा होगा। जिस तरह मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है, वो जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए कह रही है, अगर वो भी साथ लें, लोग घर में रहें, बाहर ज़्यादा ना ही मिले जुलें, और जैसे कि कहा जाता है कि बार बार हाथ को धोएं, उसी तरह बार बार हाथ को धोएं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलते हैं तो सूर्य देवता को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय देवाय नमः का जाप करें। घर में 2 कपूर, 2 लौंग और उसके साथ एक जावित्री फल भी जरूर जलाएं शाम के समय। ये करने से कोई भी नेगेटिविटी हो या किसी भी तरह का वायरस हो वो घर में प्रवेश नहीं करता। तो इसी आशा के साथ कि आने वाला उच्च का सूर्य इस कोरोना को खत्म करने में सहायक हो, तो ओम सूर्याय देवाय नमः के साथ कि आप सब भी यही आशा करें कि ये कोरोना भारत से जल्द ही खत्म हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।